एवरीवन, दिस इज मी साहब, या हेयर मार्क के लिए लेके आए हो एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके बारे में क्या गॉसिप चल रहा है। आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जो गॉसिप करें, आपके खानदान के लोग हो सकते हैं। खानदान वालों को तो वैसे बहुत एक व्हाट दे कॉल इट, उनको कुछ भी चाहिए टू टू क्रिएट अ ड्रामा आउट ऑफ, लाइक यू नो, इट्स मोर लाइक फस क्रिएट करना, ड्रामा क्रिएट करना। फैमिली जो स्पेशली जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं उनको तो बहुत शौक होता है, जो खानदान होता है, जो बेसिकली। सो या इट कैन बी फॉर एनी वन, आप किसी के लिए भी देख सकते हो, आपके कोलीग्स के लिए देख सकते हो, आप अपने एक्स के लिए देख सकते हो, करंट पर्सन के लिए देख सकते हो, क्योंकि क्या गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। सो या स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, टाइम वेस्ट ना हो। ओके आपका भी यू नो आई डोंट नो इंडिया की कोई एक आई थिंक एक एरिया में ऐसे बोला जाता है ना, टाइम को टेम बोलते हैं और समथिंग लाइक दैट, मैंने मूवीज़ में देखा है ऐसा। बट यस, आई थिंक मैंने अनुष्का की रिसेंटली एक मूवी देखी थी, इट वॉज एन ओल्ड वन शाहरुख खान के साथ, उसमें भी शी यूज़ टू टॉक लाइक दैट, उसका जो एक्सेंट था इट वॉज लाइक स्लाइटली डिफरेंट। बट यस, देखते हैं कि क्या गॉसिप चल रहा है आपके बारे में राइट नाउ, क्या गॉसिप चल रहा है आपके बारे में राइट नाउ, फाइंड आउट। लोगों को लगता है कि आप हमेशा कमेंट्स लेने के चक्कर में, या जैसे होता है ना कि फीडबैक लेने के चक्कर में आप लोगों को आप जानबूझ के लोगों से अपने बारे में अच्छे कमेंट्स या अच्छे जैसे आप बोल रहे हो किसी को कि मैं मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, या जस्ट टू हियर समथिंग गुड कमिंग फ्रॉम देयर माउथ। मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हो, आप लोगों को ट्रिगर करते हो या इनिशिएट करते हो ऐसी कन्वर्सेशंस के लोग आपकी तारीफ कर सके। दे सी यू एज समबडी जो कि ऑलवेज लाइक फिशिंग फॉर कमेंट्स होता है, लाइक समबडी जो कि हमेशा लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है कि कोई कमेंट कर दे आपके ऊपर, या आपकी ड्रेसिंग के ऊपर, या आपके सक्सेस के ऊपर। सो पीपल से दैट अबाउट यू, लेट्स सी मोर। हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट पे ऐसे लोग हों जो उनको लगता है कि आप हमेशा जानबूझ के बॉस के सामने प्रोमिनेंट होना चाहते हो एंड स्टफ लाइक दैट, ताकि आपको अप्रिसिएशन मिल सके। सो यू डू दैट पर्पजली, आप लोगों को उगलवाते हो, उनके मुंह से बातें उगलवाते हो, इस तरह का लोगों को लगता है आपके बारे में, चाहे आपका जो भी माइंड में स्पेसिफिक समवन है या ओवरऑल कोई ग्रुप ऑफ पीपल है उनके बारे में देख रहे हो। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप मूव कर रहे हो, चाहे वो मूव फिजिकल मूवमेंट है जैसे घर शिफ्ट करना, रिलोकेट करना, किसी कंट्री में मूव करना, या फिर आप मूव कर रहे हो फ्रॉम अ रिलेशनशिप, हो सकता है कोई जगह हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई शिफ्टिंग हो सकती है इन टर्म्स ऑफ आप अपना डिपार्टमेंट मूव कर रहे हो, या आप अपनी जॉब छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। तो लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं आपके बारे में कि आप कहीं मूव कर रहे हो। हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ मूव इन करने वाले हो, तो वो भी लग रहा हो सकता है कुछ लोगों को, वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं आपके बारे में। मूव्स इन साइलेंस, ओह देयर यू गो। मुझे लगता है कि आपके आपके बारे में ऐसी बात हो रही है कि आप चुपके से किसी के साथ मूव इन करने वाले हो, या चुपके से मूव कर रहे हो कहीं पे, लोग आपके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आप वाकई में, हो सकता है कि घर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर कोई ट्रैवल अवे कर रहे हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ से रिलोकेट कर रहे हो, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो आपके बारे में जो गॉसिप चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि आप किसी को बता के नहीं जा रहे हो, आप चुपके से निकलने वाले हो यहाँ से। सो कहीं ना कहीं आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे कर रहे हो सकता है कि किसी लीगल मैटर की वजह से कर रहे हो सकता है कि किसी ऑफिशियल रीजन की वजह से कर रहे हो, लेकिन दिस इज समथिंग जो लोगों को लग रहा है कि आप सीक्रेटली कर रहे हो, आप किसी को बता के नहीं जा रहे हो। सो दैट्स व्हाट दे आर फीलिंग आपके बारे में, और ये आपके बारे में स्प्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू पैक थिंग्स, क्योंकि मुझे भी मूव करना है बाय द वे। सो या लेट्स सी, वॉल्फ इन शीप्स क्लोदिंग। लोगों को लगता है कि आप वाओ आपको आपके बारे में लोगों को लगता है कि आप बेसिकली बनते कुछ हो, अंदर से कुछ और हो। पीपल थिंक कि आप वैसे प्रिटेंड करते हो आप बहुत इनोसेंट हो, बट बीच में यू आर वेरी खतरनाक किस्म का इंसान हो आप। नाइस हो सकता है कि इट्स स्मॉल लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग हैं जो कि आपको अच्छे से जानते नहीं हैं, एज एन कि अगर वो आपको जानते होते
तो दे वुडन बी सेइंग ऑल दीज थिंग्स लाइक इन टर्म्स ऑफ, जैसे होता है क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल, वैसे लोग नहीं है ये. मुझे लग रहा है कि वो लोग हैं जो कि आपको फ्रेंडमीज कह सकते हैं, जिनको यू नो आपको जानते हैं, हाय हेलो भी हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके सामने दे प्रिटेंड कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, और बैक बिहाइंड योर बैक दे आर यू नो टॉकिंग लाइक दिस अबाउट यू. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके सामने ये लोग बहुत अच्छे होते होंगे, और आपके यू नो आपके सामने, सॉरी, आपके सामने हो सकता है कि ये लोग यू नो बोलते हो कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, एंड देन बिहाइंड योर बैक वो यू नो सबको कहते हैं कि ये तो ड्रामा करती है या ये करता है, और एक्चुअली में ये कुछ और ही चीज़ है. यू नो दैट्स हाउ पीपल थिंक ऑफ यू, चाहे वर्क है चाहे वो अदरवाइज है. मुझे लगता है कि आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप डेफिनेटली कुछ तो अच्छा कर रहे हो कि आपके हेटर्स बहुत हैं फॉर श्योर. रिफ्लेक्टिंग, आप में से कुछ लोगों के लिए, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जो भी ये लोग हैं, जो भी ये पर्सन है या लोग हैं, मुझे लगता है कि वो आपको दे थिंक हाई ऑफ यू फ्रॉम डीप विद इन. यू नो मन में उनको पता है कि आप कोई चीज़ तो हो, उनको लेकिन ये समझ नहीं आता कि आप करते क्या हो. यू नो हाउ डू यू गेट वट यू आर गेटिंग, यू नो उस तरह की एनर्जी. कहीं ना कहीं उनको लगता है कि या तो आप कोई चैंटिंग वैंटिंग करते हो, कोई मेडिटेशंस करते हो, जिससे आपकी लाइफ में स्मूथली चीज़ें हो जाती हैं, और आपकी यू नो आप किसी को बताए बगैर साइलेंटली सब कुछ कर जाते हो, और लोग लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं. सो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, लोगों को आपको लेकर इस तरह की बातें वो कर रहे हो सकते हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि लोग यू नो आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आप बहुत समझदार हो. यू नो यू आर समबडी जो कि प्लान करके चीज़ें चलता है, लेकिन साइलेंटली, यू नो ज़्यादा शेयर नहीं करता, अपनी चीज़ों को छुपा कर चलता है अपनी ज़िंदगी में. लेट्स सी मोर. स्पिरिचुअल हेटर हिट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक, पावर. वाओ, ये मैं ऑलरेडी सिर्फ पिक कर रही थी, बट आई डिडंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके यू नो आपके जो भी ये लोग हैं आप आस पास, उनको लगता है कि आप जो है शायद कोई यू नो व्हाट वी कॉल इट, एसोटेरिक नॉलेज, या फिर यू नो इस तरह की इंफॉर्मेशन या स्पिरिचुअल कोई वर्क्स करके भी अपने मीन्स जो है वो यू गेट क्लियर. वो भी लगता है कुछ लोगों को, लिए को ये लगता है कि शायद आप कोई मैजिकल पावर्स यूज़ करते हो, इसलिए आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं. इट्स मोर लाइक, अगेन मुझे लगता है कि लोगों को दे डोंट सी वट यू आर, वट यू हैव बीन डूइंग, यू नो आपका एफर्ट क्या है और आपने कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो, दे डोंट सी दैट. उनको लगता है कि आप कुछ तो कुछ और कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके लिए सब कुछ इतना आसान हो रहा है या सब कुछ इतना वर्क कर रहा है. सो कहीं ना कहीं आपके हेटर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं, और यू नो उनको लगता है कि आप यू नो आप कोई डार्क एनर्जीज के साथ काम कर रहे हो, तभी आपके लिए चीज़ें ऐसे हो रही हैं. उनको लगता है कि आपके अंदर कुछ तो है जो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन क्या है वो उनको लगता है कि आप ब्लैक मैजिक यूज़ कर रहे हो सकते हो, आप डार्क एनर्जीज यूज़ कर रहे हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल पावर्स यूज़ कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि अननेचुरली आप यूज़ कर रहे हो, जिससे आपको वो सब मिल रहा है जो आपको मिल रहा है. टॉकिंग शिट, आपके पीछे तो डेफिनेटली लोग, बिहाइंड योर बैक मुझे लगता है कि आपके आपके जो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें आपके लिए कर रहे हैं, बट इट्स ओके. यू नो इट्स लाइक आई मीन हर किसी के लिए इट्स नॉट ओके, आई नो दैट, बट फॉर पीपल हु, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता. जहाँ पर ये कार्ड आता है ना, उससे इतना क्लियरली एक मैसेज आता है कि वो चाह रहे हैं कि आपके बारे में जाने, वो चाह रहे हैं कि उनको पता चले कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, कि आपके लिए चीज़ें आसान हैं या आपकी लाइफ इतनी यू नो अच्छे वे में आगे चल रही है, और उनसे वो हो नहीं पा रहा. तो कहीं ना कहीं आप कुछ तो सही कर रहे हो कि आपके इतने हेटर्स हैं, आप कुछ तो सही कर रहे हो कि आपके लिए यू नो जो डिवाइन की हेल्प है वो हमेशा अवेलेबल है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप शायद ऐसे पर्सन हो जो कि ज़्यादा यू नो आपका क्लोज सर्कल जो है वो कुछ लोगों का ही होगा, आप ज़्यादा रिवील नहीं करते हो अबाउट यू या अपने स्टेप्स को रिवील नहीं करते हो. अगेन उसकी वजह से लोगों को लगता है कि तेज़ चीज़ है बंदा या बंदी, और अपनी जो है यू नो जैसे वो आई डोंट नो ये उर्दू का वर्ड है या पंजाबी वर्ड है, घुन्नी जो होता है यू नो जैसे जिसको जो सब कुछ अपने अंदर ही रखता है, और बाद में यू नो पता चलता है कि वो अच्छा ये तो टॉपर बन गया, ये तो सेलेक्ट हो गया, तो लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है आपके बारे में. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वर्क लाइफ में या करियर में या फिर
जॉब में या फिर किसी स्किल लर्निंग में हो सकता है कि आप टॉप कर जाओ, और दैट्स, और मे बी ये भी हो सकता है कि कर लिया हो और लोग देख रहे हैं कि अरे ये तो ये तो बहुत ही तेज निकला या बहुत ही शार्प निकला, या तो इसने कोई जादू टोना कराया जिसकी वजह से इसकी चीज़ें ऐसी हो गई हैं. सो ऐसी मेंटेलिटी के साथ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इट डजेंट मैटर. आप जब तक आप अपने साथ फेथफुल हो, ट्रूथफुल हो, लॉयल हो, इट डजेंट मैटर कि लोग क्या बातें करते हैं. सो या जस्ट जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ दैट. आप में से कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हो सकता है ये पर्सन, लेकिन ये भी पर्सन हो सकता है जो जिसको आपके पे इंटरेस्ट हो या फिर क्रश हो, जो कि ये फिजिकली इंटीमेट होना चाहता है आपके साथ. मुझे लगता है कि उसको लगता है कि आप उसको फिजिकल इंटीमेट होने नहीं देते हो. सो ऐसी बातें भी हो रही हैं आपके बारे में, आपके एक्स ऐसी बातें कर रहे हो सकते हैं. बट अगेन, मुझे मूविंग का कार्ड बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, ट्रैवल की एनर्जी. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मूव इन कर रहे हो किसी स्पेसिफिक समवन के साथ, बट लोगों को ऐसा लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा है या नहीं है. हो सकता है कि आप फैमिली से दूर जा रहे हो, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ओ अच्छा, ये तो किसी के साथ रह रहा है या रह रही है, या उस तरह की सिचुएशन हो सकती है. बट यस, लेट देम टॉक. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की, और ये थी रिक्वेस्ट लोगों की कि इस तरह की जो रीडिंग है वो इन डेप्थ करें. इसलिए ज़्यादा मैंने इन डेप्थ रीडिंग की है ये वाली, बट इसको फिर से करेंगे किसी दिन, और लेट्स फाइंड आउट कि और क्या गॉसिप है आप लोगों के बारे में. बट येस, फॉर नाउ दैट्स वेरी मच इट. और अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, या मजा आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.